एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दे कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों है? सब सोच में पड़ गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो, आपके प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाए तो वहाँ आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त है। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु यह क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपनी ही चमड़ी नोच नोच कर चिमटे से खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने भी क्रोधित होकर कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा, सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। यह सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ, उसका प्रश्न बड़ी अजब पहेली बन चुका था। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुंचा, गांव में पता किया और उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपत्ति ने बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा पूर्व जन्म में हम चारों भाई व राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए, इस घोर जंगल से पार निकलने का मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगा। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा। वे महात्मा जी फिर चमड़ी खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपनी चमड़ी नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? बालक बोला, अंतिम आशा लिए वो महात्मा हे राजन आपके पास आए, आपसे भी दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल रूप गुण आकार प्रकार स्वाद में भिन्न होते हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और माना कि एक ही मुहूर्त में अनेकों जातक जन्मते हैं, किंतु सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं, उनके कर्म ही उनका भाग्य निर्धारित करते हैं।